प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम अगला प्रोफाइल को करेंगे प्राइस मिक्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर प्राइस मिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी हमारी मार्केटिंग मैनेजर ने किसी भी प्रोडक्शन का प्राइस फिक्स करना है, तो प्राइस फिक्स करने से पहले उसके दिमाग में कितनी तरह की चीज़ें आती हैं और वो डिसीजन लेने से पहले उन सब बातों को उसको दिमाग में रखना पड़ता है, उसको हम प्राइस मिक्स कहते हैं। प्राइस मिक्स बनाते समय आपके मैनेजर जो हैं उनके दिमाग में सबसे पहले बात आती है प्रोडक्शन की कॉस्ट प्राइस क्या है, उस पर हमने प्रॉफिट कितना लेना है, हमारे साथ जो कंपटीटर फर्म्स हैं उनका हमारे साथ कंपटीशन कैसा है, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या निर्धारित करने जा रहे हैं, हम अपने कस्टमर को किसी भी तरह की ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की फैसिलिटीज़ देंगे या नहीं देंगे, इसी तरह से हम अपने कस्टमर को कितनी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिफोर द सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड आफ्टर द सेल ऑफ प्रोडक्ट, द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर्स, इस बात को ध्यान में रखना होता है। तो ये सारी बातें हमने अपने कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटीज देनी है कि नहीं, इंस्टॉलमेंट पर गुड्स प्रोवाइड करनी है कि नहीं, या ऑल ट्रांजेक्शन मेड इन कैश। तो अगर हमने नकद माल बेचना है, क्रेडिट की कोई फैसिलिटीज़ नहीं दे रखी है, तो सिंपल सी बात है हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखेंगे। अगर हमने उधार की फैसिलिटीज़ देनी है तो नॉर्मल सी बात है कि हम उसकी प्राइस क्या रखेंगे, ज़्यादा। तो प्राइस पर इफेक्ट डालने वाले ये हमारे फैक्टर्स हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो प्रोडक्शन हम बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट कितनी पड़ती है। कॉस्ट को वेरी करते समय आपको दो प्रकार की कॉस्ट माइंड में रखनी है, एक हमारी फिक्स कॉस्ट होती है और एक हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को मिलाकर आपका बनता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम देखते हैं डिमांड। अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है और कोई कंपटीटर नहीं है, तो नेचुरली बात है उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। अगर उसकी सप्लाई करने वाले बहुत सारे और कंपटीटर हैं तो उसकी प्राइस कम होगी। इसके बाद हम आता है कंपटीटर फर्म्स। हमारे प्रोडक्ट को बनाने वाली और कितनी कंपटीटर फर्म्स हैं, हमारा कंपटीशन नेशनल लेवल पर है या इंटरनेशनल लेवल पर है, जो हमारी कॉम्पिटिटर फर्म्स हैं वो कस्टमर को किस प्रकार के बेनिफिट्स दे रही हैं, किस प्राइस पर वस्तु को प्रोवाइड करनी है, उसकी प्राइस को अपने दिमाग में रखकर ही हमें प्राइस रखनी पड़ेगी। अगर हमने थोड़ी सी भी प्राइस ज़्यादा रख दी तो हमारे सारे कस्टमर परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में टूट सकते हैं, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर। जो प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर को बेचना चाहते हैं, जो हमारे कस्टमर चाहने वाले हैं, हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, उनकी हम पावर भी देखते हैं कि उनके अंदर पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, जो प्राइस हम रख रहे हैं वो पे कर सकते हैं कि नहीं, उसको कहते हैं हम पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर। अब आपका प्रोडक्ट बहुत ही गरीब लोगों के लिए बनाया जाता है और आप उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा रख देते हैं, तो वो उस प्राइस को पे ही नहीं कर सकते, तो वो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। अगर आप अमीर लोगों के लिए बनाते हैं आप प्रोडक्ट, तो उनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो हर प्राइस पर आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन। कई प्रोडक्ट को बेचते समय हमें गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ता होता है, जैसे हमारी बेसिक नीड्स
होती हैं, बेसिक चीज होती हैं, जैसे नमक है, आटा है, चीनी है, उसकी जो प्राइस है उसको रखते समय हमें गवर्नमेंट के प्राइस को ध्यान में रखना पड़ता है। उस प्राइस से ज़्यादा हम उस चीज़ को नहीं सेल कर सकते, चाहे वो आपकी वेजिटेबल है, चाहे वो आपका वीट है, चाहे आपकी शुगर है, चाहे आपका साल्ट है। तो इनको प्राइस रखते समय हमें गवर्नमेंट के रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद प्रॉफिट अगला मोटिव रहता है, अगला मेन ऑब्जेक्ट रहता है जिसके लिए फर्म्स काम करती हैं। आप अपना एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि आप अपने कस्टमर से कितनी मात्रा में प्रॉफिट लेना चाहते हैं। कई फर्म होती हैं एक नॉर्मल प्रॉफिट में अपना काम चलाती हैं और एक नॉर्मल प्रॉफिट ही अपनी कॉस्ट में ऐड करके सेलिंग प्राइस का निर्धारण करते हैं। और कई फर्में ऐसी होती हैं जिनका प्रॉफिट में दिल्ली नहीं भरता, तो वो बहुत एक्सेस मात्रा में प्रॉफिट को ऐड करके अपनी प्राइस का निर्धारण करते हैं। इसके बाद होता है मार्केटिंग मेथड। फर्म्स प्राइस को निर्धारित करते समय इस बात का भी ध्यान में रखती है कि हमें अपने प्रोडक्ट को बिकवाने में कितने मीडियोकर्स की सहायता लेनी पड़ेगी। अब आपको जितनी मीडियोकर्स की ज़्यादा सहायता लेनी पड़ेगी, उतनी मात्रा में आपको उनको ज़्यादा कमीशन पे करना पड़ेगा। तो आपने उनके कमीशन को भी ध्यान में रखना है, अपने प्रॉफिट को भी ध्यान में रखना है, इसलिए नेचुरली प्राइस क्या होगी, ज़्यादा। और यदि आपको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट तो सीधा हमसे ही कस्टमर तक पहुंच जाएगा, बीच में किसी प्रकार की मीडियोकर की ज़रूरत नहीं है, तो नेचुरली प्राइस क्या होगी, कम। तो ये है हमारा प्राइस मिक्स। जब आपको प्राइस बनानी है, अपनी प्रोडक्ट पर प्राइस छापनी है, तो उसको लिखने से पहले, आपको डिफरेंट टाइप से डिसीजन लेने से पहले पूरी सोच विचार कर डिसीजन लेना है। इसे हम प्राइस मिक्स कहते हैं। दैट्स ऑल।